क्या मनुष्य का पुनर्जन्म होता है? जैसा कि गीता में यह बतलाया गया कि जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्र का त्याग कर नए वस्त्र का धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, लेकिन क्या मरने के बाद वह परलोक लौटता है और फिर वहाँ से दूसरे मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है? जातक ग्रंथ में यह बतलाया गया कि मनुष्य ज्यों ही मरता है इसी लोक में दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, जबकि कुछ शास्त्रों का कहना है कि नहीं, मरने के बाद वह परलोक में पहुंचता है और फिर पृथ्वी पर आकर दूसरे मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है, जिससे पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है। कहा गया है कि मनुष्य पिछले जन्म में और वर्तमान जन्म में जिस प्रकार का कार्य करता है, उसी प्रकार का जन्म उसे मिलता है। जैसा कि भरत की मृत्यु होने के पश्चात उन्हें एक मृग में जन्म लेना पड़ा, नल को एक वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर आना पड़ा। इस तरह से कहा जाता है कि मनुष्य जिस प्रकार का कर्म करता है उसे उसकी फल की प्राप्ति होती है और उसी के अनुसार अन्य जीवों में वह पैदा होता है और इस तरह से सृष्टि की रचना हुई है, जैसा कि बतलाया गया है। और इस तरह से कहा जा सकता है कि मनुष्य को अच्छे कर्म करना चाहिए, नहीं तो उसे जन्म के रूप में विभिन्न स्तरों से गुजरना पड़ता है और पुनर्जन्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।